हेलो गाइस, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय जेस ब्लॉग चैनल। काफ़ी समय के बाद में मैं फिर से आ चुका हूँ आप सबके लिए एक ब्लॉग लेकर के। मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से मैं कोई ब्लॉग नहीं बना पा रहा हूँ, काफ़ी समय से ब्लॉग नहीं बना पा रहा हूँ। और बाकी मैं अभी जो हूँ अभी आउट ऑफ दिल्ली हूँ, काफ़ी समय से मैं आउट ऑफ दिल्ली हूँ, इसलिए मैं बिल्कुल ब्लॉग नहीं बना पाता हूँ। तो गाइज़, अभी हमारा जो ब्लॉग बनने वाला है वो राजस्थान ट्रिप का बनने वाला है। राजस्थान ट्रिप में हम एक दो जगह जाने वाले हैं, और फिर फिलहाल जो है हम यहाँ से पंजाब में हूँ, पंजाब से हम राजस्थान बीकानेर के लिए निकलेंगे। बीकानेर के बाद में जो है अंपल है, रामदेव जी का मंदिर है, वो रामदेवरा मंदिर भी बोलते हैं, तो वहाँ पर जाएंगे। आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हो, उसके बारे में आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। तो वहाँ पर हम जाने वाले हैं। तो आई होप आप सबको मेरा ब्लॉग अच्छा लगेगा। ब्लॉग राजस्थान ट्रिप का आपको ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। तो ठीक है गाइस, अभी निकलते हैं। तो गाइज, फ्यूल हो चुका है, पूरी तरह से डाउन ख़त्म हो चुका है, तो यहाँ पे हम रुके हैं गाड़ी के अंदर रिफ्यूल करवाने के लिए। फ्यूल हो चुका है, फाइनली पहुंच चुके हैं रतनगढ़। और रतनगढ़ में हम खाना खाएंगे। बहुत ही ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, नींद आ रही है बहुत ज़्यादा हमको, तो यहाँ से हम खाना खाएंगे रतनगढ़ से, उसके बाद में आगे चलेंगे। यहाँ से 150 से कुछ कम ही होगा यहाँ पे बीकानेर। ये देखो गाइस, ये यहाँ के मेनू, दाल फ्राई 120, मैंने फ़िलहाल दाल फ्राई और पालक पनीर ये ऑर्डर की है। गाइस, जिस होटल से हमने खाना खाया है उसका नाम है ये पवन होटल, ठीक है। कभी भी आते हो ना आप रतनगढ़, तो यहाँ से खाना खा लेना, अच्छा है, ठीक है यार। यहाँ पे सिर्फ ओनली वेज मिलता है, इस बात का ध्यान रखना। तो गाइस, फाइनली 550 किलोमीटर चलने के बाद में हम बीकानेर पहुंच चुके हैं, और अभी फ़िलहाल जो है हम यहाँ से रूम लेंगे। रूम लेने के बाद हम मैं आपसे बात करता हूँ। तो गाइस, फाइनली एक रूम जो है वो मिला है बड़ी मुश्किल से, क्योंकि सारे के सारे जो रूम हैं वो ऑनलाइन बुक है। तो मैं आपको बताता हूँ कौन कैसे रूम मिला है। ये भैया है जो हमको रूम दिखा रहे हैं। तो गाइस, कल आप लोगों को मैंने बताया कि हम पहुंच चुके हैं बीकानेर, और बीकानेर जब हमने बेड लिया था, रूम लिया था,
ज़्यादा नींद आ रही थी, इतनी तेज़ नींद आ रही थी कि पता ही नहीं लगा बैठ कर कब सोए कब नहीं। तो अभी जागे है और अभी टाइम हो रहा है हमारा 9:00 कुछ मिनट हो रहे हैं और अब हम थोड़ी देर बाद में निकलेंगे बीकानेर की जो मार्केट होती है जूनागढ़ मार्केट जिसे बोलते हैं वहाँ के लिए। तो वहाँ पर थोड़ा सा सामान लेना है मुझे, उसके बाद में वहाँ से हम डायरेक्ट बैठेंगे, मतलब वहाँ से निकलेंगे तो बीकानेर से पॉपलन जाएंगे फलौदी, वो वीडियो बाद में बनाऊंगा। फिलहाल तो मैं जहाँ पे जा रहा हूँ वहाँ की वीडियो बनाता हूँ, मैं जा रहा हूँ अभी बीकानेर की मार्केट के अंदर, ठीक है। तो गाइस हम निकल चुके हैं अपने रूम में से और बहुत ज़्यादा कल परेशान हो चुके थे जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी, बहुत ज़्यादा ट्रेवल किया था जिसकी वजह से कल नींद बहुत ज़्यादा आ रही थी जिसकी वजह से मैं ब्लॉग नहीं बना पाया और सो गया। तो आज जो है जूनागढ़ की मार्केट है उसके अंदर हम जाएंगे और थोड़ा सा मेरे को सामान लेना है, वो सामान लेंगे उसके बाद में डायरेक्ट वहाँ से बीकानेर से निकलेंगे पॉपुलर कॉलोनी के लिए। तो भाई साहब ये है यहाँ का कौन सा भाई साहब, ये मार्केट का क्या नाम है? केम रोड है। केम रोड है उधर है अपना फाटा, कौन सा फाटा? ये केम रोड है, ये वो सामने कोर्ट गेट है। ये कोर्ट गेट है भाई साहब बता रहे हैं। तो ये है बीकानेर की मार्केट और आधा से ज़्यादा मार्केट जो है वो है बंद, और बंद इसलिए क्योंकि आज संडे है, आज तो गलती कर रही आगे। ये है यहाँ की बीकानेर की मार्केट और पूरी की पूरी मार्केट जो बंद पड़ी है आज संडे है इसकी वजह से। तो भाई जिस काम के लिए मैं यहाँ पे आया था वो काम भी नहीं हो पाया है बिल्कुल भी, जो काम सोच के आया था दोनों काम नहीं हुए मेरे यहाँ पे। तो भाई मैं अभी जा रहा हूँ यहाँ बीकानेर की सबसे मशहूर मिठाई की दुकान है या मिष्ठान भंडार की दुकान है, वहाँ से कुछ ना कुछ खाएंगे उसके बाद में निकलेंगे डायरेक्ट फलौदी के लिए। शर्माते बहुत है। तो भाई ये है यहाँ की सबसे मशहूर मिठाई की दुकान, भीड़ देखो लोगों की कितनी है, बहुत ज़्यादा रश है। तो गाइस फाइनली जिसे जो सामान लेना था उसने ले लिया है, मुझे तो कोई सामान मिला नहीं यहाँ पे। गाइस फाइनली हम बीकानेर में हैं और अब हम निकलेंगे फलौदी के लिए। तो गाइस फाइनली पहुंच चुके हैं हम रामदेवरा, यहाँ पे रामदेव जी का सबसे बड़ा मंदिर है, प्राचीन मंदिर, और यहाँ की मान्यता यह है कि कोई भी श्रद्धालु यहाँ पे कोई भी मन्नत मांग के मांगता है वो उसकी पूरी होती है। तो आप जो है आइए, जरूर आइए, ये राजस्थान में है ये मंदिर और आपकी कोई भी इच्छा है वो पूरी होगी होगी। बाकी आपको ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।
इफ्तार चूरमा भी चढ़ता है यहाँ पे मंदिर पे। देखो गाइस यहाँ पे रामदेव जी के मंदिर पे आप चूरमा भी चढ़ा सकते हैं, खुद भी बना सकते हैं और बनी बनाए भी ले सकते हैं यहाँ पे चूरमा। मेन तो लोग वही चढ़ाते हैं, बाकी अपने भी चढ़ता है चढ़ाने में। तो आप ये भी चढ़ा सकते हो, 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 एक ही बात है। तो गाइज यहाँ पे आप जो है अपनी मन्नत के ऊपर घोड़ा चढ़ा सकते हैं, वो सामने लगे हुए हैं ना सारे ये सारे घोड़े हैं, वो आप चढ़ा सकते हैं। कोई भी आपकी मन्नत हो वो पूरी हो जाए उसके बाद में आप घोड़ा चढ़ा सकते हैं, ठीक है। अच्छा मेला कब लगता है भाई साहब पे? मेला सावन भादरा में। तो गाइस अभी फिलहाल हम जा रहे हैं रामदेव जी के मंदिर पे, और ये तो ऑफ सीजन पे है, आप आराम से दर्शन कर सकते हैं। मगर जब यहाँ बहुत ज़्यादा रश होता है, जब मेला यहाँ पे लगता है तो बहुत ज़्यादा रश होता है, तो यहाँ के रेलवे स्टेशन तक भी आपको जगह नहीं मिलेगी, पता है ऐसे ऐसे ही रहे, ठीक है। तो बहुत अच्छा मंदिर है, आप यहाँ फोटोग्राफी करवा सकते हैं, आप गाड़ी में और भी बहुत कुछ दे रखा है यहाँ पे। ये मार्केट है यहाँ की, थोड़ा बहुत शॉपिंग वगैरह आपको करनी हो, छोटे छोटे बच्चों के लिए कुछ भी लेना हो, ऑफ सीजन है ये भाई, और फुल सीजन में तो आपको पैर रखने तक की जगह नहीं मिलेगी। ये रख हेलो, और ये है रामदेव जी की मार्केट। तो गाइस आप लोगों को सबको मैंने दर्शन करा दिए अंदर से, अंदर वैसे अलाउड नहीं है, और कोमली पंडित जी ने कैसे अलाउड कर दिया, और दर्शन आपके हो गए होंगे अच्छी तरीके से। तो गाइस एक बार तो आप यहाँ पे जरूर आना, मेरी रिक्वेस्ट आप सभी लोगों से, बहुत अच्छी जगह है, बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे। बाकी किसी प्रॉब्लम की वजह से आप में से कोई यहाँ पे नहीं आ सकता, तो मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, जिससे कोई भी जो है घर बैठे दर्शन कर सकता है। बाकी अपनी फैमिली के साथ आ जाऊँगे तो कोई दिक्कत की नहीं, बात नहीं है। गाइस दर्शन करने के बाद में फिर आप ये जो है पर्चा बावड़ी यहाँ के दर्शन जरूर करना, अच्छा होता है। ये है अपनी बावड़ी, मैं आपको बताता हूँ कौन सी बावड़ी ये वाली। गाइस ये है बावड़ी, इस बावड़ी को देख के सुल्तान फिल्म की याद नहीं आ रही आप लोगों को, कमेंट में जरूर बताना। गाइस वहाँ से आप जाओगे तो सीधा आपको यू टर्न लेके वापस ऊपर जाना पड़ेगा, ये ऊपर बावड़ी के अंदर जो है ना ये मंदिर है, मंदिर का पूरा आपको परिक्रमा मार के और पूरा जो परिक्रमा जो है मंदिर का वो लगा के आपको फिर से ऊपर जाना पड़ेगा। तो गाइस आज जो है हम यहाँ पे स्टे कर रहे हैं, तो गाइस आज जो है हम यहाँ पे रुकने वाले हैं, और होटल जो है हमने देखा नहीं अभी तक, क्योंकि अभी हम जो है रामदेव जी का चूरमा बना रहे हैं, तो
तो रामदेव जी का चूरमा बना रहे हैं, उसको बनाएंगे, उसको चढ़ाएंगे, उसके बाद जो है हम कोई होटल देखेंगे नाइट स्टे करने के लिए। ठीक है गाइस, तो जो भी अपडेट होगा मैं आपको देता रहूँगा। ये है देसी घी का चूरमा, ये है किशमिश मिश्री, ये सूखा नारियल, इसका भोग लगाया जाता है। तो गाइस रात को हमने कमरा लिया, कमरा लेने के बाद में स्टे किया और बहुत ही ज़्यादा नींद आ रही थी जिसकी वजह से मैं ब्लॉग नहीं बना पाया और वक्त आ चुका है इस ब्लॉग को एंड करने का। तो आई होप आप सभी को मेरा जो ब्लॉग है अच्छा लगा होगा, मैंने आप सभी को प्रॉपर तरीके से दर्शन करवाए होंगे। सबसे अच्छी बात यह है कि खुले दर्शन हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं हुई, कोई भीड़ भाड़ नहीं थी क्योंकि ऑफ सीजन है। और अभी जो है मैं ब्लॉग, तो गाइस एक बात मैं आपको कहना भूल गया कि सबसे मेन बात यह है कि मैंने जितनी भी ब्लॉग बनाया, जितनी वीडियो बनाई है, उसमें किसी में भी माइक का यूज़ नहीं किया। क्यों? माइक मैं अपने घर पे भूल आया हूँ, जिसकी वजह से थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ सकती है। भाई एडजस्ट कर लेना, ऐसी कोई बात नहीं है। और तो ठीक है गाइस, और भी लोग, तो गाइस मेरे फैमिली मेम्बर है जो चंडीगढ़ में भी रहते हैं, अपने दिल्ली में भी रहते हैं, तो वो आएंगे तो उनके साथ में और मैं ब्लॉग बनाऊँगा। तो ये मेरा लास्ट ब्लॉग नहीं है। और बाकी आपको ब्लॉग की क्वालिटी कैसी लग रही है, ऑडियो क्वालिटी, वीडियो क्वालिटी कैसी लगी, एक बार मेरे को कमेंट बताना। ब्लॉग की क्वालिटी अच्छी लगी हो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। ठीक है, मैं मिलूंगा आपसे नए ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।